तो चलो यार चलते हैं थोड़ा सा माइनिंग करने। एंड ये किस टाइप का हो रहा है यार? मैं क्या बताऊं? तो अभी इसको तोड़ के ही पता लग जाएगा कि इसमें से क्या सामान निकलता है। वेट भाई, इतना सारा ओपी सामान। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो तुम लोग को भी पता है माइनक्राफ्ट में एक से बढ़कर एक एडऑन्स आते रहते हैं। हाँ, एंड उन्हीं एडऑन्स से चुन चुन के मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 10 एडऑन्स। नहीं चाहिए। एंड एक बात तो बताना भूल ही गया कि आज की इस वीडियो के सारे एड ऑन ओपी, सुपर ओपी, लेजेंडरी, एपिक हो गया। बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। या तुम लोग समझ गए। तो बकवास करते हैं बंद, वीडियो को करते हैं चालू। एंड घर बैठ के खाओ ढेर सारे कचालू। नंबर 10, मेडिवियल फर्नीचर। एंड इस वाले एडन में तुम लोग को ढेर सारी नई नई फर्नीचर आइटम्स देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड वो फर्नीचर आइटम्स ऐसी लगती हैं कि गेम का ही पार्ट है, तुम लोग ने उनको कहीं बाहर से ऐड नहीं किया है। एंड साथ ही साथ ज्यादातर फर्नीचर आइटम्स तुम लोग को वर्किंग देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, इस वाले ड्रॉर के अंदर मैंने अपनी जमीन के कागजात डाल रखे हैं। एंड कागज एकदम खाली है क्योंकि मेरे पास कोई जमीन ही नहीं है। मैं गरीब हूँ। एंड इस वाले के अंदर मैंने घड़ी डाल रखी है। एंड इसको मैंने दीवार पे इसलिए टांगा क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। एंड या गाइस, इस तरह से तुम लोग को और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि ये कुर्सी जिससे उठने के बाद तुम लोग पाद मारते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ये बास्केट, ये क्रेट, एंड साथ ही साथ ये दारू की बोतल, एंड और भी यार ढेर सारी आइटम्स है। तुम लोग यहाँ पे क्रिएटिव इन्वेंटरी के अंदर देख ही सकते हो। तो इतना ही था इस वाले एड ऑन में, चलते हैं नेक्स्ट एड ऑन पे। नंबर 9, इंस्टेंट फार्म्स। तो जैसा कि इस वाले एड ऑन के नाम से ही पता चल रहा है, तुम लोग इसमें इंस्टेंटली फार्म्स को स्पॉन कर सकते हो। एंड स्पॉन करने के लिए तुम लोग को बस मेरे साथ एक मंत्र बोलना है, आबरा का डाबरा सुडीचो को सब्सक्राइब करो। मजाक कर रहा था। तुम लोग को बस अपनी चैट खोलनी है, एंड उसके अंदर तुम लोग को लिखना है /function get farms। एंड इतना लिखते ही, एंड इतना लिखने के बाद कुछ ही देर में उस जगह पे एक शल्कर बॉक्स स्पॉन हो जाएगा जहाँ पे खड़े होकर तुमने इस कमांड को लिखा था। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई वो स्पॉन नहीं होगा, देख लो अब। एंड इस शल्कर बॉक्स को ओपन करके तुम लोग को यहाँ पे सारे टाइप के फार्म्स के ब्लॉक देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड अब इन फार्म्स को स्पॉन कैसे करना है मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो उसके लिए तुम लोग को साथ ही साथ ये बिल्डर टूल चाहिए होगा जो कि तुम लोग को अनफॉर्चुनेटली क्रिएटिव से ही निकालना पड़ेगा। एंड स्पॉन कैसे करते हैं, तो जिस भी फार्म को स्पॉन करना चाहते हो उसके ब्लॉक को नीचे प्लेस करो, एंड कुछ ही देर में वो ब्लॉक तुम लोग को वहां पे अपेयर होने लग जाएगा। एंड साथ ही साथ वहां पे एक आउटलाइन भी आ जाएगी जो कि तुम लोग को दिखाएगी कि इतना एरिया ये फार्म लेने वाला है। एंड अगर तुम लोग को लग रहा है कि इतना एरिया ले ले भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लोग को बस बिल्डर टूल लेके उसके ऊपर एक बार टैप कर देना है, एंड बूम। एंड ये फार्म्स ऐसे वैसे नहीं है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैक्टस वाला स्पॉन किया है। एंड इसने मेरे को स्पॉन होते ही कितने सारे कैक्टस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। फ्लीट भाई ने पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करके हीरो ब्राइन SMP के अंदर इतना बड़ा फार्म बनाया कैक्टस का हीरो ब्राइन SMP में, उसके बदले भाई इस मॉड का यूज करके ही बना लेते। नंबर 8, मॉर्फ मॉड। तो इस वाले एडन के बारे में तुम लोग को पता ही होगा, इसमें तुम लोग किसी भी जानवर का रूप ले सकते हो। बेसिकली तुम लोग यहाँ पे इच्छाधारी नागिन बन सकते हो। एंड ट्रांसफॉर्म होने के लिए तुम लोग को बस एक बार क्राउच करना है, देन जंप करना है, उसके बाद तुम लोग को क्राउच से हट जाना है, एंड जमीन पे टैप करना है। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे जमीन पे टैप कर करके जोन सा चाहो उस मॉब को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। एंड इतना नहीं, तुम लोग को हर एक मॉब की एबिलिटी भी मिल जाएगी। जैसे कि अगर तुम लोग यहाँ पे ब्लेज बनते हो तो तुम लोग यहाँ पे आग लगा सकते हो, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। एंड अगर तुम लोग यहाँ पे आयरन गोलम बनते हो तो तुम लोग को इतने सारे हार्ट्स मिल जाएंगे, एंड तुम लोग हर एक चीज को उठा उठा के पटक सकते हो। एंड इसी तरह से तुम लोग और भी यार बहुत सारी चीजें बन सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एड ऑन पे। तो तुम लोग को भी पता है माइनक्राफ्ट की हेलमेट्स है तो काफी ज्यादा यूजफुल चीज, लेकिन इनकी लुक्स देख के लगता है माफ करे बहुत मनुष्य। तो इसीलिए मैंने इंस्टॉल कर लिया बेटर हेलमेट्स मॉडल। एंड इस वाले के अंदर तुम लोग को हेलमेट्स के तगड़े तगड़े मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो नेदरराइट वाला कुछ इस तरह का लगता है, गोल्ड वाला कुछ इस तरह का, एंड साथ ही साथ डायमंड वाला कुछ इस तरह का। एंड इतना ही नहीं, आयरन वाले हेलमेट को डाल के तुम लोग को ऐसा लगेगा तुम लोग किसी राजा के सिपाही हो। एंड चेन वाला मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे लेदर वाला डालते हो तो वो यहाँ पे ऐसा लगता है कि तुम लोग ने ग्लाइडर वाली हेलमेट डाल के रखी है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में।
एंड या गाइज इस वाले एडोन में तो इतना ही था, लेकिन जो भी था काफी ज्यादा बढ़िया था। एंड तुम लोग को कौन सी हेलमेट सबसे ज्यादा तगड़ी लगी है मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना। तो तुम्हारे साथ ऐसा बहुत बारी हुआ होगा कि तुम लोग किसी अंधेरे वाली जगह पे चले जाते हो एंड उसके बाद तुम्हारे साथ होता है कुछ इस तरह का हादसा जिससे तुम लोग सिर्फ आधे हर्ट पे बच पाते हो। एंड अगर तुम लोग मेरी तरह पैनिक करते हो तो भाई तो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ थ्रोएबल टॉर्चेस एड ऑन। एंड इन थ्रोएबल टॉर्चेस को तुम लोग क्राफ्ट कर सकते हो। तुम लोग को सिंपली नॉर्मल टॉर्च को क्राफ्टिंग टेबल में डालना है एंड तुम लोग को थ्रोएबल टॉर्च मिल जाएगी। एंड वो टॉर्च तुम लोग सोल टॉर्च, नॉर्मल टॉर्च एंड साथ ही साथ रेडस्टोन टॉर्च से भी क्राफ्ट कर सकते हो। एंड उसको तुम लोग फेंक सकते हो, मीन्स थ्रो कर सकते हो। एंड थ्रो करने के लिए तुम लोग को बस इस थ्रोएबल टॉर्च को हाथ में पकड़ना है एंड स्क्रीन पे होल्ड करना है एंड तुम लोग थ्रो कर सकते हो। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितनी दूर उस ट्री पे एकदम शाना लगा के वहां पे टॉर्च लगा दी है। एंड या गाइस आई नो ये वाला एडोन तो तुम लोग को डेफिनेटली पसंद आया होगा एंड इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6 बेटर मॉब एनिमेशन। तो इस वाले एडोन का यूज करने के बाद माइनक्राफ्ट के लगभग हर एक एंटिटी की एनिमेशन काफी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, चाहे वो ज़ॉम्बी हो, स्केलेटन हो, पिलेजर हो या विलेजर। एंड पिलेजर के क्रॉसबो लोड करने की एनिमेशन तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है एंड साथ ही साथ विलेजर के भागने की एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया है, एकदम पीछे देखते देखते भागता है। एंड सबसे ज्यादा क्यूट एनिमेशन मुझे यहाँ पे लगी है डॉग्स की। तुम लोग देख सकते हो भाई कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। एंड ये डॉग मुझे कुछ बोलना चाहता है। क्या रे भीख मंगिया, क्या दिख रहा है? एंड इतना ही नहीं, इनके मरने के बाद तुम लोग को यहाँ पे इनकी बॉडी भी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड मैंने तो तुम लोग को सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिखाई हैं, बाकी और भी बहुत सारे मॉब्स की एनिमेशन चेंज हो गई होगी, तुम लोग खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट एड ऑन पे। नंबर 5 लकी ब्लॉक एड ऑन। तो ये वाला लकी ब्लॉक एड ऑन नॉर्मल लकी ब्लॉक एड ऑन से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें तुम लोग को लकी ब्लॉक केव के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे एंड गाइस वो कुछ ओर्स को रिप्लेस कर देंगे एंड साथ ही साथ तुम लोग इनको क्राफ्ट भी कर सकते हो। क्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को नॉर्मल वाला क्राफ्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह की रेसिपी से एंड उसके बाद तुम लोग को अपनी कॉमन सेंस यूज करके बाकी वालों को क्राफ्ट करना पड़ेगा। अगर तुम लोग वुड वाला क्राफ्ट करना चाहते हो तो वो कुछ इस तरह की रेसिपी से बनेगा एंड अगर कोल वाला कुछ इस तरह की रेसिपी से बन जाएगा। एंड ये वाला लकी ब्लॉक तुम लोग को रैंडम लूट नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये तुम लोग को ओपी लूट प्रोवाइड करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन। तो अगर तुम लोग आयरन के एक ओर को तोड़ते हो वो तुम लोग को सिर्फ एक आयरन देने वाला है, लेकिन अगर तुम लोग आयरन वाले लकी ब्लॉक को तोड़ोगे तो वो तुम लोग को आयरन से बनने वाली कोई भी आइटम दे देगा। प्रोबेबली वो तुम लोग को बहुत सारा आयरन भी दे सकता है जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। एंड या इस वाले एडोन का फंडा तुम लोग समझ गए, इसको तुम लोग सर्वाइवल में भी यूज कर सकते हो। नंबर 4 मॉब एलिमिनेटर्स। तो इस वाले एडोन में तुम लोग मॉब्स को मारने के लिए कुछ इस तरह की आइटम को क्राफ्ट कर सकते हो एंड इसको क्राफ्ट करने के लिए भी तुम लोग को कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। लाइक अगर तुम लोग शीप को मारने के लिए बना रहे हो तो कुछ इस तरह की रेसिपी से बनाना होगा एंड अगर तुम लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी को मारने के लिए बना रहे हो तो वो कुछ इस तरह की रेसिपी से बनेगा। तो बेसिकली जैसे ही तुम लोग इस एलिमिनेटर को क्राफ्ट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रीपर वाला बनाया है एंड मैंने इसको नीचे प्लेस कर दिया है, अब इसके 20 ब्लॉक के रेडियस में जितने भी क्रीपर आएंगे सबको ये ऑटोमेटिकली मार देगा एंड उसके बाद इनकी जो लूट होगी वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो तुम लोग को पता होगा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ऊपर दिखाई देते हैं जब तुम लोग उनको अनेबल करते हो एंड वो यार काफी ज्यादा गंदा सा लगता है। तो उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया कोऑर्डिनेट्स HUD वाला एड ऑन। इसमें तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे एंड साथ ही साथ कितने टाइम से तुम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, कितना टाइम तुम लोग को हुआ है वो भी यहाँ पे नीचे दिख जाएगा एंड जैसे ही तुम लोग स्प्रिंट करोगे तो तुम लोग को यहाँ पे नीचे एस लिखा आ जाएगा, तुम लोग को पता लग जाएगा कि तुम लोग स्प्रिंट कर रहे हो। वैसे वो तो हमें पता लग ही जाएगा जब हम स्प्रिंट करेंगे। क्या फालतू फीचर है ये, जरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तो देखा तुमने मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ, तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला है देव। तो वैसे छोटू ये सब तो मैं व्यूज के लिए करता हूँ, किसी को बताना मत। नंबर 1 बेंटन एड ऑन। तो इस वाले एड ऑन में बेंटन की पूरी स्टोरी एड की गई है। जैसे कि तुम लोग को पता है बेन को वॉच कैसे मिलती है, ऊपर से म्यूट्रॉइड आता है एंड उसके अंदर से बेन को वॉच मिलती है। तुम लोग को भी सेम उसी तरीके से वॉच मिलने वाली है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे वर्ल्ड में भी गड्ढा हो चुका है एंड
मुझे यहाँ पे ओमनीट्रिक्स मिल चुकी है एंड यहाँ पे गेट ओमनीट्रिक्स का ऑप्शन भी आ रहा है। तो जैसे तुम लोग इस पर क्लिक करोगे तुम लोग यहाँ पे ओमनीट्रिक्स को पहन लोगे एंड उसके बाद तुम लोग को बस जमीन पे टैप करना है। तुम लोग यहाँ पे एलियन को सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने अपग्रेड को सिलेक्ट कर लिया है एंड मैं यहाँ पे अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म भी हो चुका हूँ एंड मुझे यहाँ पे अपग्रेड की सारी एबिलिटीज भी मिल चुकी है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई मैं यहाँ पे ब्लास्ट फेंक सकता हूँ एंड ब्लास्ट फेंक के मैंने स्लाइम के 4 टुकड़े कर दिए हैं। एंड या गाइस ये थे वो 10 एडऑन्स, तुम लोग को पसंद तो आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर तुम लोग को चाहिए माइनक्राफ्ट के लिए एकदम धमाकेदार वाले 5 मैप्स, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। टाटा बाय बाय।